जिन मंडियों से हमारे पास माल आता है उन मंडियों से जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने एक ब्रेकअप सरकार को भेजा है, और वो ब्रेकअप उन्होंने कोर्ट के जरिए भी भेजा उनके पास, और खुद भी एक कापी भेजा है। उस ब्रेकअप में वो ये लिखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ होलसेलर के पास सप्लाई आती है, ड्रसमीट आता है, वो 554 रुपये हमारे पास किलो पूछता है। बिल्कुल एक ब्रेकअप है, रजिस्टर्ड लेवल पर उन्होंने उनको भेज दिया, थ्रू कोर्ट भी उसकी कापी सरकार के पास गई। अगर 454 रुपए होलसेलर के पास पहुंचता है तो उसके बाद मुझे एक रिटेलर को देना है, तो मैं अपना मार्जिन लगा के तो उसको दे दूंगा ना, उसके बाद वो अपने दुकान पे भेजेगा। तो सरकार ने अगर उनके पास 554 रुपए का ब्रेकअप पहुंचा तो मैं कैसे 450 में होलसेलर में गोश्त बेचूंगा और दुकानदार कैसे 480 रुपए में। दूसरी बात, ये सरकार से सवाल है। दूसरी बात, सरकार ने अपने जो डिपार्टमेंट उनका शिफ्ट हस्बेंडरी उन्होंने उनसे ब्रेकअप मंगवाया, उस ब्रेकअप में सरकार के जो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंडरी है उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है जो उन्होंने एनालिसिस किया है उस प्रोडक्शन रेट में वो कह रहे हैं कि 476 रुपए प्रोडक्शन रेट है। मैं सरकार के इस बात को मानता हूँ कि 476 रुपए उनके पास जो है वो प्रोडक्शन रेट है, उसको भी मैं मानता हूँ। और मैं दूसरी बात ये भी मानता हूँ कि कश्मीर में क्योंकि शीफ हस्बेंडरी सप्लाई देती नहीं है, चलो इस बात को भी मानेंगे कि ये फार्मूला हम थ्रू आउट कंट्री बाहर के फार्मर पे भी ये लगा देंगे कि 470 रुपए बाहर के फार्मर को भी यूनिट यानी प्रोडक्शन रेट तैयार हो जाता है। अब जिस फार्मर के पास 476 रुपए में तैयार होता है प्रोडक्शन रेट, अब उसके बाद वो फार्मर उस माल को उठा के सॉरी मंडी तक लेगा, तो मंडी घर से लेकर मंडी तक उसका खर्चा कहां से है? फिर जाके उसका अपना मार्जिन है, जो जो फार्मर का मार्जिन है वो मार्जिन कहां पे जोड़ा? उसके बाद जो वहां से हमें सप्लाई करते उनका मार्जिन वो कहां पे जोड़ा? जब वो मेरे पास आया तो यहां तक आने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन है, वो मार्जिन कहां जोड़ा? अब जब मैं दुकानदार को बेचूंगा और मैं अपना मार्जिन लगूंगा, वो मार्जिन कहां से जोड़ा? और दुकानदार के ऊपर जो उन्होंने मार्जिन लगाया वो मार्जिन कहां से जोड़ा? सवाल यही बनता है, अगर 476 रुपए प्रोडक्शन रेट है सरकार की तो 450 रुपए में होलसेलर कैसे बेच सकता हूं? ये सरकार से सवाल है, ये उन लोगों से सवाल है जिन्होंने ये रेट निकाली। एक दुकानदार को उन्होंने 30 रुपए मार्जिन रखा है, एक दुकानदार को 12 रुपए कुछ पैसे खर्च आता है ड्रेसिंग करने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन दुकान पर लेने के लिए, बिजली फीस के लिए, या जो उनको जो काटने के लिए बंद होते हैं तो वहां से लेके फिर 18 रुपए दुकानदार का खर्चा बनता है, मतलब प्रॉफिट बनता है। एवरेज 20 किलो दुकानदार बेचता है तो ये 500 से 550 रुपए एक दुकानदार को दिन में मिलेंगे। उससे बेहतर दुकानदार वो किसी लेबर के काम में जाएगा, 9 बजे जाएगा, 4 बजे छुट्टी करके आएगा, 500 रुपए कमाएगा। उसको क्या परेशानी पड़ेगी सुबह 6 बजे उठ के रात के 9 बजे तक वो दुकान पे 500 रुपए के लिए काम करेगा? सरकार का ये तरीका कार जो है ये एक डिक्टेटरशिप अंदाज है, एक लाठीचार्ज तरीके से हमारे साथ रेड की गई और हम पे ये थोपी गई है। ना मैं तब अगर हम में कही गलत, हमने जो ब्रेकअप हमारे लोगों ने जो ब्रेकअप दिया, जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, अमृतसर में लोग बैठे, उन्होंने जो ब्रेकअप वो उस पर डिस्कस कर लेते, सरकार उनसे पूछती, सरकार हमें सप्लाई दे देगी। और हम सरकार से यह कहेंगे कि सरकार हमें सप्लाई दे, हम बिल्कुल कम मार्जिन पे, उन्होंने मैं अपनी तरफ से उन्होंने हमें बोला कि 30 रुपए दुकानदार को नफा है, हम दुकानदार से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 महीने के लिए आप इससे भी कम नफा करके भेज दीजिए, हम एज ए होलसेलर हम 1% भी नफा नहीं ले लेंगे, सरकार अगर हमें 400 में दे देगी हम 400 में ही भेजेंगे।